मेहंदी का कलर तो बहुत अच्छा आ जाता है, बट वो काफ़ी टाइम तक स्टे नहीं करता है। जैसे शैम्पू करते हैं वापस से वो गोल्डन से हेयर दिखने लगते हैं या फिर ग्रे हेयर दिखने लग जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी किस तरीके से हिना पैक बनाना है, कैसे यूज़ करना है और कितने टाइम तक यूज़ करना है। इसके बाद ऑयलिंग किस तरीके से करनी है, कौन सा ऑयल लगाना है, ऑयल की रेसिपी भी इसी वीडियो में है। तो इस वीडियो में आपको दो रेसिपीज़ मिलेंगी। कंटिन्यूस यूज़ करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सिल्की स्मूथ शाइनी हेयर के साथ साथ आपके ग्रे हेयर कवर होंगे और हेयर रीग्रोथ भी होगी। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आंवला सीरीज़ का ये है 9th डे, जिसमें मैं आपको शेयर कर रही हूँ आंवला की ही दो रेमिडीज़, जिसमें कि मैंने आपको पहले शेयर किया हुआ है कि आंवला पाउडर किस तरीके से बनाना है। तो आई होप कि इस साल का आंवला पाउडर आपने बना लिया होगा। सो आंवला पाउडर जैसा कि मैंने थोड़ा थोड़ा बनाती भी रहती हूँ, और अभी भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारा आंवला मैंने लाया हुआ है, बहुत सारी रेमेडीज़ आपके लिए आने वाली हैं। सो जिस जिसको आंवला रेमेडी पसंद आ रही है वो ज़रूर कमेंट्स में शेयर करिएगा, और ये भी मुझे शेयर करिएगा कि अगर आप मेहंदी पैक लगाते हैं, इंडिगो पैक लगाते हैं, तो कितने दिन तक आपके हेयर के ऊपर स्टे करता है। क्योंकि अगर वो लंबे समय तक स्टे नहीं करता है तो इट मीन्स आप कुछ गलत कर रहे हैं और उसमें आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम ले लेंगे यहाँ पे ड्राई आंवला। नाउ ड्राई आंवला मींस आंवला पाउडर जो मैंने घर पे सुखाया है उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो एक लोहे की कढ़ाई ली है मैंने, उसमें 2 से 4 चम्मच के जितने आंवले डाले हैं ड्राई आंवला, और उसको मैंने स्लो फ्लेम पे रोस्ट कर लिया है। रोस्ट इतना किया है कि ये बहुत काला, जैसे कोयले जैसा काला नहीं हुआ है, बट येस ये बहुत अच्छा सा कलर आ गया है इसमें, और इसको मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया है। सो इसको रोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे दरदरा वाला आंवला लिया है। जब हम आंवला पाउडर बनाते हैं उसको छानते हैं तो हम जो पाउडर वाला फॉर्म होता है वो तो हम यूज़ कर लेते हैं अपनी रेमेडीज़ में, लाइक हेयर मास्क में, जैसे कि हिना पैक है, या फिर अपना आपने इसको खाना है तो आप इंतक कर सकते हो। जो दरदरा थोड़ा सा रह जाता है उसको मैंने यहाँ पे ऑयल बनाने के लिए यूज़ किया है। पहले मैं ऑयल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाता है फिर इसमें आपने लौंग डाल देने हैं, 4 से 5 क्लोव्स डालने हैं, जो कि आपके हेयर में ब्लैक कलर लाने में बहुत अच्छा होता है। और आपको भी पता है कि अगर मेहंदी के बाद हम एक ऐसा हेयर ऑयल लगाते हैं जिससे कि आपका मेहंदी का कलर और ज़्यादा गाढ़ा हो, तो आप लौंग को ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। ये क्लोव्स जो होते हैं, आपने सुना होगा पहले के ज़माने में जब दुल्हन मेहंदी लगाती थी तो मेहंदी को डार्क करने के लिए तवे के ऊपर ग्लोव्स को रख के गर्म किया जाता था और उसके ऊपर हाथों को किया जाता था, तो आपका मेहंदी का कलर डार्क हो जाता था। तो यहाँ पे जो ग्लोव्स हैं आपके दो काम करेंगे, एक तो आपको ठंड से बचाएंगे और आपके मेहंदी के कलर को डार्क करेंगे। तो इसको हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बनाना है, और मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाला है, कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल, और इसमें आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम रखनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पे नीम पाउडर। नीम पाउडर इसलिए डाला है क्योंकि स्कैल्प में डैंड्रफ हो जाता है और सर्दियाँ हैं, सर्दियों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो नीम पाउडर को ज़रूर यूज़ करना चाहिए ताकि स्कैल्प की इचीनेस कम हो और आपकी स्कैल्प की हेल्थ अच्छी हो। उसके बाद कलेक्ट किए हैं मैंने कुछ मेहंदी के लीव्स। यहाँ पे मेहंदी के लीव जो है मैंने अपने ही प्लांट से लिए हैं, और मेहंदी के लीव्स अगर आपको मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और मेहंदी का कलर भी इसमें बहुत अच्छा सा आ जाता है। तो इस ऑयल के अंदर हम मेहंदी, आंवला, लौंग और नीम पाउडर, ये चार चीज़ें यूज़ किया है मैंने, और इस मेहंदी के पत्तों को अच्छे से धो लिया है, धोने के बाद इसमें डाल लिया है। नाउ इसको मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम रखा हुआ, और इसको तब तक मैं करूँगी जब तक कि ये मेहंदी के पत्ते कुरकुरे से नहीं हो जाते, ठीक है। कुरकुरे मीन्स ये जलेंगे नहीं, जलाना नहीं है हमने इनको, और सिर्फ मॉइस्चर निकालना है इसका, और इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो आपके ऑयल के अंदर आ जाएगा। नाउ इफ़ यू डोंट हैव हिना लीव्स तो आप हिना पाउडर यूज़ कर सकते हैं, और हिना पाउडर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 1/2 चम्मच के जितना हिना पाउडर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जब आपको लगे कि ये हो गया है फिर आप क्लोज़ कर देंगे अपनी लिड को, गैस को, और फिर थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और इसको छान देंगे। छानने के बाद ये मैजिकल सा हेयर ऑयल आपके पास आ गया है, इसको आपने यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, मेहंदी लगाने के बाद इसको यूज़ करेंगे। चलिए पहले मेहंदी पैक देख लेते हैं और फिर मैं आपको शेयर करूँगी कि इसको कितने टाइम के बाद लगाना है, जब आप मेहंदी को वॉश करते हैं उसके भी कितने टाइम के बाद इसको यूज़ करना है, और कैसे इसको अप्लाई करके रखना है, और कितने दिन तक रखना है, कैसे वॉश करना है, ठीक है। तो अपनी मेहंदी को बनाने के लिए भी मैंने यहाँ पे आंवला ही यूज़ किया। आप देख सकते हो कितना प्यारा आंवला का कलर आया है, और कितना अच्छा ये आंवला होता है हम सब के लिए, बहुत मैजिकली वर्क करता है। तो इसको आप इनटेक करना ज़रूर शुरू कर दें, और मेहंदी पैक भी कितना सुंदर सा और अच्छा सा बना है। चलिए पैक को देख लेते हैं किस तरीके से मैंने इसको बनाया है। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है, और मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ
आंवला पाउडर, ये मेरे पिछले साल का आंवला पाउडर है, ठीक है। ये पिछले साल का आंवला पाउडर अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, और ऐसे ही मैंने टेस्टिंग के लिए दो साल पहले वाला आंवला पाउडर भी रखा हुआ है कि ये ख़राब नहीं होता है अगर आप इसको सही तरीके से बनाते हो, और इसको आप मल्टीपल रेमेडीज़ में यूज़ कर सकते हो। आपके पास प्योर आंवला पाउडर आपके घर में ईजिली बन जाता है। तो आपने इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के लिए स्लो फ्लेम रखना है, और स्लो फ्लेम आप रखेंगे सो दैट कि आपका ये कोयले जैसा ना हो, ठीक है। क्योंकि मेरी कढ़ाई वैसे ही पतली है, आप सबको पता है, तो ये थोड़ा सा काला सा हो जाता है, इसलिए मैं इसको फटाफट से चम्मच से हिलाती रहती हूँ, और ये थोड़ा सा इस तरह से हो गया और बंद कर दिया है मैंने। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये जो आंवला पाउडर है, दिस इज़ रियली वेरी गुड, एंड ये घर का बना हुआ प्योर आंवला पाउडर, यू कैन यूज़ इट एंड ट्राई टू मेक इट। इसका अलग से एक वीडियो आने वाला है कि आंवला पाउडर को कैसे बनाना है। अगर आपने मिस कर दिया है, नहीं बनाया तो ज़रूर बना लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स इसी के अंदर मैंने मेहंदी पाउडर डाल दिया है। मेहंदी पाउडर अपने बालों की लेंथ के हिसाब से डालेंगे। उसके बाद मैंने इसमें डाला है भृंगराज पाउडर 2 से 3 चम्मच के जितना। उसके बाद मैंने इसमें डाला है चारकोल पाउडर। चारकोल पाउडर जो है ये भी मैंने घर पे बनाया हुआ है। चारकोल पाउडर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कोकोनट शेल। जो कोकोनट होता है, नारियल होता है, जब हम इसका नारियल निकाल लेते हैं तो ये आपके पास बच जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यूज़ करना है, ठीक है। उसको यूज़ करने के लिए आपने लाइक फ्लेम पे, अपने चूल्हे पे इस तरह से एक स्टैंड रख के, और अपने इस नारियल का जो है कवर, उसको आपने इस तरीके से जलाना है। इसको आप चाहें तो काली कढ़ाई में भी इसी तरह से जला सकते हैं। तो आपने इसको बेसिकली जलाना है। जलाने के बाद आपने इसको थोड़े से खुले जगह पे रख देना है, सो दैट कि ये लकड़ी है, लकड़ी के जैसे हैं, और ये आपको लाइक जल जाएगा जल्दी से लकड़ी के जैसे, और एक राख सा बन जाएगा। जब आपको लगे कि हाँ ये पूरा हो गया है और आग भी निकल गई है, इसमें 5 से 10 मिनट लग सकते हैं, और उसके बाद आप इसको पहले खुले में रखिएगा सो दैट कि इसका धुआं भी बाहर जाए। और आपने इसको फिर किसी भी लाइक मैंने यहाँ पे मिट्टी का बर्तन लिया, उसके अंदर डाल दिया, उसको ढक के रख दिया है, ठीक है, ढक के रख दिया और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। इफ़ यू वांट तो इसको हम ओपन भी रख सकते हैं, और इस तरीके से रखेंगे इसको ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के लिए इसको साइड में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इसको पहले तो हल्का हल्का कूट लेना है। कूटने के बाद इसको मिक्सी में ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके पास चारकोल पाउडर आ जाता है, जो कि आप इजीली घर पे यूज़ कर सकते हो। इसको आप छान सकते हो, छान के पतला पाउडर बन जाता है, जो कि आप यूज़ कर सकते हो मल्टीपल स्किन एंड हेयर केयर की रेमेडीज़ में। तो आप इसको बना के स्टोर भी कर सकते हो। और ये आंवला पाउडर मैंने बनाया था 3 से 4 साल पहले, और अभी तक भी ख़राब नहीं हुआ है, तो मैंने इसको भी डाला है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने डाला है इसमें आंवला रीठा शिकाकाई का शैम्पू। सो ये आंवला रीठा शिकाकाई का शैम्पू मैंने बनाया है अपने लाइक अपने लिए स्टोर करके रखा है, जिसको मैं मल्टीपल पर्पस के लिए भी यूज़ करती हूँ, और इसको मैंने इसी के अंदर ऐड किया है, और फिर इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद ढक के छोड़ के रख दिया है एक रात के लिए, और नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा प्यारा सा इसका कलर आ गया है। और फिर मैंने इसको अप्लाई किया है अपने ग्रे हेयर के ऊपर, यू कैन सी माई ग्रे हेयर। और ग्रे हेयर के ऊपर मैंने इसको पहले स्कैल्प पे लगाया है, स्कैल्प पे लगाने के बाद मैंने पूरे बालों पर लगाया है, और बालों पे लगाने के बाद मैंने इसको 2 घंटे के लिए छोड़ा है। तो फ्रेंड्स मेरे हेयर का वॉल्यूम आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से मेरे हेयर का वॉल्यूम बढ़ा है। मेरी सारी रेमेडीज़ में हेयर ग्रोथ का पर्पस रहता ही रहता है, चाहे आप बालों को काला करें, चाहे आप बालों के डैंड्रफ को हटाएं, या चाहे आप बालों के टेक्स्चर को इम्प्रूव करें। तो यहाँ पे आपका हेयर रीग्रोथ का कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट ऐड हो जाता है, जिससे कि आपका हेयर रीग्रोथ भी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ग्रे हेयर के ऊपर मैंने इसे अच्छे से अप्लाई करके और मैंने 2 घंटे के बाद वॉश कर दिया है, बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर आया है। नाउ इसको आपने छोड़ना है एक दिन के लिए, कम से कम 24 आवर्स के लिए छोड़ना है। मेहंदी को प्लेन पाउडर प्लेन पानी से मेहंदी को प्लेन पानी से वॉश करेंगे। उसके बाद आपने ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग करके आप उसको रखेंगे कम से कम एक दिन के लिए। तो आपने क्या किया, मेहंदी को वॉश किया एक दिन के लिए, कुछ भी नहीं लगाया बालों में। उसके बाद आपने यही मस्टर्ड ऑयल वाला जो हमने तेल बनाया है, इसको यूज़ करेंगे अपने हेयर के ऊपर, अच्छे से लगाएंगे। उसको भी एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए छोड़ेंगे, और फिर इसको आप नॉर्मल माइल्ड शैम्पू से वॉश करेंगे। बेस्ट है अगर आप आंवला रीठा शिकाकाई के शैम्पू से वॉश करते हैं। सो आई होप आपको ये सब स्टेप्स फॉलो करके बहुत अच्छे से कलर भी आएगा, बहुत अच्छे से रिजल्ट्स भी मिलेंगे, एंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।